नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये बेबी स्वेटर बनाएंगे। ये स्वेटर साल भर से 1.5 साल के बेबी में आसानी से आ जाएगा। इसे मैं 3 पार्ट में अपलोड करूंगी। पहले पार्ट में हम बैक पोर्शन बनाएंगे, दूसरे पार्ट में हम फ्रंट पार्ट का राइट साइड का पोर्शन बनाएंगे और थर्ड पार्ट में हम फ्रंट पार्ट का लेफ्ट पार्ट बनाएंगे। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 23 सेंटीमीटर है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बेबी स्वेटर का बैक पार्ट बनाएंगे। तो बॉर्डर में मैंने 10 नंबर की सिलाई पे 60 फंदे डाले, 2 फंदा सीधा और 2 फंदा उल्टा का बॉर्डर बनाया, यानी डबल रिब में 14 लाइन का बॉर्डर बनाया। उसके बाद 15वें लाइन में मैंने 1 फंदा बढ़ाया, क्योंकि डिजाइन के लिए मुझे 41 फंदे चाहिए। ये डिजाइन 4 के मल्टीपल फंदों में बना है और 1 फंदा एक्स्ट्रा, तो 10-10 फंदा मैंने साइड के लिए रखा और 41 फंदे में मैंने डिजाइन डाला। 40 फंदे थे, 60 फंदे थे, तो 10 फंदे इधर निकल गए, 10 फंदे इधर निकल गए, बीच में बचे 40 फंदे और डिजाइन के लिए चाहिए 41 फंदे, तो मैंने 1 फंदा बढ़ा लिया। 10 नंबर से बॉर्डर बनाया था, यहाँ पे मैंने 9 नंबर लगा दिया और 9 नंबर लगाने के बाद मैंने डिजाइन बनाना शुरू किया। जैसे मैंने बॉर्डर के बाद शुरू किया था, अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि मैंने इस डिजाइन को कैसे स्टार्ट किया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं। सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे, बॉर्डर के बाद सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को दूसरी ओर करेंगे और 9 फंदा सीधा बुनेंगे। तो पहले फंदे को स्लिप किया और 9 फंदा सीधा बुना, यानी टोटल 10 फंदे हो गए। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और लास्ट के 10 फंदों को छोड़कर शेष सभी फंदे उल्टा बुना लेंगे, यानी को साइड के 10 फंदों को छोड़कर बीच के 41 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। तो 41 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब ऊन दूसरी ओर करेंगे और 9 फंदे को सीधा बुनेंगे। और ऊन अपनी ओर करेंगे और 10वां फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने 2 लाइन बुन लिया। अब हम फिर राइट साइड में हैं, तो हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से 12 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर 1 फंदा सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा, फिर 3 फंदा प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा, फिर 1 फंदा सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा, फिर 3 फंदा प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा। अब लास्ट में 12 फंदे बचे हैं, तो उन्हें हम प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन दूसरी ओर करेंगे और 9 फंदा सीधा। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और लास्ट के 10 फंदों को छोड़कर, लास्ट के 10 फंदों को छोड़कर जो जिस कलर का है उसी कलर के उनसे उल्टा बुनेंगे। अब ये 2 फंदे उल्टे हैं, प्राइमरी कलर से हैं, तो इन्हें प्राइमरी कलर से उल्टा। ये 1 फंदा सेकेंडरी कलर से है, तो इसे सेकेंडरी कलर से उल्टा। जो जिस कलर का है उसी कलर के उनसे उसे उल्टा बुन के लाइन कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट के 10 फंदों को छोड़ के। अब देखिए, लास्ट में 10 फंदे बचे हैं, तो हम प्राइमरी कलर के ऊन को दूसरी तरफ करेंगे, 9 फंदे को सीधा बुन लेंगे, और लास्ट फंदा है तो ऊन अपनी ओर करेंगे और इसे हम उल्टा बुनेंगे।
तो हमने चार लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारा पांचवा लाइन है और सामने से, तो 11 फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब ये जो सेकेंडरी कलर का ऊन है, तो इस फंदे को, इसके दोनों साइड वाले फंदे को, यानी तीन फंदे को हम सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे। और एक फंदा प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा, फिर तीन फंदा सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा, और एक फंदा प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा, तीन फंदा सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा। अब सेकेंडरी कलर का जो फंदा है उसके साइड वाले भी दो फंदे ले लेंगे, और तीन फंदा हमारा सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा हो जाएगा। तो बचेगा बीच का एक फंदा, उसे हम प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा बुन लेंगे। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। हाथ हम ढीला रखेंगे वरना डिजाइन में सिकुड़न आ जाएगी। धागे को बहुत ज्यादा खींचेंगे नहीं, हल्के हाथ से बनाएंगे वरना डिजाइन में सिकुड़न आ जाएगी। अब लास्ट में 11 फंदे बचे हैं, तो इन्हें हम प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा बुन लेंगे। अब पहला फंदा स्लिप करेंगे, 9 फंदे को सीधा बुनेंगे, यानी साइड के ये 10 फंदे हमारे, देखिए दोनों तरफ से सीधे रहेंगे। ये साइड के 10 फंदे सामने से भी सीधा और रॉन्ग साइड से भी सीधा होंगे। दोनों साइड के 10 फंदे दोनों साइड से सीधा बनेंगे हमारा। ये देखिए उल्टे फंदों की धारियां आ रही हैं, तो साइड साइड 9 फंदे सीधा बनेंगे। और पहला और आखिरी फंदा हमारा एज स्टिच है, तो इसे हम पहले फंदे को यहाँ स्लिप कर लेंगे और लास्ट फंदे को उल्टा बुन लेंगे। और हर लाइन में हमको यही करना है, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 9 फंदे को सीधा बुनेंगे, और बीच के 41 फंदे पे हमारा डिजाइन बनेगा, और लास्ट का भी 10 फंदों में से 9 फंदा सीधा रहेगा और आखिरी फंदा हम उल्टा बुनेंगे। डिजाइन हमारा बीच के 41 फंदे पे ही रहेगा। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे और राइट साइड से सभी फंदे सीधे। ये हमारा छठा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो 10 फंदे हमारा, पहला फंदा स्लिप किया, 9 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे, ये फंदा, एक फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, अब एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर नेक्स्ट फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, अगला फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, नेक्स्ट फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, अगला फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। अब यहाँ देखिए, ये तीन फंदे थे हमारे, तीन फंदे देखिए सेकेंडरी कलर के तीन फंदे थे, तो बीच वाला फंदा जो है वो प्राइमरी कलर से बुना जाएगा, और साइड साइड वाले जो दो फंदे हैं उसे हम सेकेंडरी कलर से ही उल्टा बुनेंगे। यहाँ देखिए, साइड वाले दोनों फंदे सेकेंडरी कलर से उल्टे हैं और बीच का फंदा, इसे हमने प्राइमरी कलर से उल्टा बुना है। तो ये बीच का फंदा है, देखिए तीन फंदों में से ये बीच का फंदा है, तो इसे हम प्राइमरी कलर से उल्टा बुनेंगे और साइड वाले फंदे सेकेंडरी कलर से उल्टा। तो इस तरह एक फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। तो लास्ट के 10 फंदों को छोड़ के हम ऐसे ही एक एक फंदा दोनों कलर से बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सातवां लाइन है, तो साइड साइड के 10-10 फंदे हमारे सीधे रहेंगे। अब ये किनारे वाला फंदा भी देखिए प्राइमरी कलर से है, यानी 11 फंदे हमारे, दोनों साइड के 11-11 फंदे सीधे रहेंगे। और बीच का ये जो डिजाइन है, तो जो जिस कलर का है उसी कलर के उनसे उसे हम सीधा बुनेंगे, यानी ये जो दिख रहा है इसी को हमें रिपीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेवेंथ रो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, यानी आठवां लाइन, और हमने 10 फंदों को बुन लिया है। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होगा, तो अब हम दो फंदों को सेकेंडरी कलर के ऊन से उल्टा बुनेंगे। दो फंदों को उल्टा बुन लिया, तीसरे फंदे को
प्राइमरी कलर के उनसे उल्टा बुनेंगे। अब तीन फंदों को हम सेकेंडरी कलर के उनसे एक फंदा प्राइमरी कलर से, फिर तीन फंदा सेकेंडरी कलर से, एक फंदा प्राइमरी कलर से, देखिए तीन फंदा सेकेंडरी कलर से और एक फंदा प्राइमरी कलर से। अब ये जो डिजाइन बना है तो बीच वाला फंदा जो है हमारा प्राइमरी कलर से रहेगा और ये तीन फंदे सेकेंडरी कलर के हो जाएंगे। तीन फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा और एक फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा। तो इसी तरह बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इस साइड भी दो फंदे सेकेंडरी कलर के हैं और इस साइड भी लास्ट में दो फंदे सेकेंडरी कलर के आएंगे। और फिर ये 10 फंदा किनारे का, तो इन्हें हम 9 फंदों को सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदे को उल्टा। अब ये हमारा 9th रो है। 10 फंदों को हमने साइड के 10 फंदों को हमने सीधा बुन लिया है। अब यहाँ से डिजाइन शुरू होगा। तो पहला फंदा सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा, फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर के ऊन से सीधे, नेक्स्ट फंदा सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा, फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर से सीधे और तीन फंदों में से बीच का फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, तीन फंदे प्राइमरी कलर से सीधे। सेकेंडरी कलर से जो तीन फंदे सीधे बुने गए थे तो साइड का फंदा जो है वो प्राइमरी कलर से बुना जाएगा, सिर्फ बीच वाला फंदा सेकेंडरी कलर से बुना जाएगा। तो एक फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। अब ये तीन फंदे जो है वो प्राइमरी कलर से सीधे हो जाएंगे। एक फंदा हमारा प्राइमरी कलर से है, साइड से भी दो फंदे हम ले लेंगे तो तीन फंदा प्राइमरी कलर से सीधा। तीन फंदों में से एक फंदा इधर आ गया, बचा एक फंदा, तो बीच वाला फंदा वो हम सेकेंडरी कलर से सीधा बुनेंगे, फिर ये तीन फंदे प्राइमरी कलर से सीधे। फिर लास्ट के 10 फंदे जिसे हम प्राइमरी कलर से सीधा बुन लेंगे। ये डिजाइन का 10वां लाइन है। साइड के 10 फंदे हमने बुन लिए। अब जो जिस कलर से बुना गया है, अब यहाँ हमें जो जिस कलर से दिखाई दे रहा है उसी कलर से हमें उसको उल्टा बुन लेना है। यानी इसको हम सेकेंडरी कलर से उल्टा बुनेंगे और तीन फंदे प्राइमरी कलर से उल्टा दे रहा है। ये फंदा सेकेंडरी कलर का दिखाई दे रहा है तो इसे सेकेंडरी कलर से उल्टा बुन लेंगे। ये तीन फंदे प्राइमरी कलर से हैं तो इन्हें हम प्राइमरी कलर से उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह जो जिस कलर का दिख रहा है उसी कलर से उल्टा बुनते हुए और साइड के 10-10 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इस तरह बुनते हुए हम लाइन कम्प्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 लाइन का ये डिजाइन है और डिजाइन यहाँ पे कम्प्लीट होता है। तो मैंने 4 डिजाइन बना लिया है। अब हम 2 लाइन प्लेन बुनेंगे, यानी आगे से सभी फंदे सीधे, पीछे से सभी फंदे उल्टे और साइड के रॉन्ग साइड से साइड के 10-10 फंदे सीधे। तो 2 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस समय इसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसमें आस्तीन घटाएंगे। तो आस्तीन घटाने के लिए हम 4 फंदे घटा देंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठा के आगे वाले पे चढ़ा देंगे। एक घट गया, 2, 3 और 4। तो 4 फंदे हमने घटा दिए। अब 8 फंदों को सीधा बुनेंगे। हमारे बॉर्डर के 6 फंदे रह गए और 2 फंदों को हमने और सीधा बुन लिया। अब हम यहाँ अपना डिजाइन डालेंगे। तो एक फंदा सीधा सेकेंडरी कलर के ऊन से, फिर 3 फंदा प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा, फिर एक फंदा सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा, 3 फंदा प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा,
यानी हम अपना 10 लाइन का डिजाइन बनाएंगे। 3 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, 1 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। बुनते हुए हम लास्ट के 12 फंदे तक आएंगे। अब देखिए लास्ट के 12 फंदे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं तो हम आस्तीन का 4 फंदा घटा देंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और उन दूसरी ओर करेंगे। अगला फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे। 1 फंदा घट गया, 2, 3, 4, तो 4 फंदे हमने दूसरी साइड भी घटा दिए। अब 5 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और जो फंदा जिस कलर का दिखाई दे रहा है उसे हम उसी कलर के ऊन से उल्टा बुन लेंगे। तो हमने डिजाइन कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में 6 फंदे बचे हैं तो ऊन दूसरी ओर करेंगे, 5 फंदा सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा उल्टा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों तरफ 4-4 फंदे आस्तीन पे घटाए हैं। अब हमें आस्तीन पे एक भी फंदे नहीं घटाना है, बस अपने डिजाइन को पूरा करना है। 10 लाइन के डिजाइन को पूरा करना है, तो मैं डिजाइन पूरा करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिजाइन पूरी कर ली। इस समय 5 डिजाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजाइन तैयार हो चुके हैं। 4 डिजाइन बनाने के बाद 2 लाइन प्लेन बुना और हमने 4 फंदे दोनों साइड में 4-4 फंदे घटा दिए। इस समय बॉर्डर के बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 21 21 उल्टे फंदों की धारियां हैं। बॉर्डर के बाद हमने धारी बनाना शुरू किया और ये हमने 21 धारी बनाने के बाद फंदे घटाए, 4-4 फंदे दोनों साइड में आस्तीन के लिए घटा दिए और ये डिजाइन पूरा कर लिया। अब हम 2 लाइन और प्लेन बनाएंगे, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे, बॉर्डर के फंदे हमारे सीधे रहेंगे। तो 2 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर सामने की तरफ से हैं तो हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 7 फंदा सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिर 1 फंदा हम अपने सेकेंडरी कलर से सीधा बुनेंगे। अब शेष सभी फंदे हम प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे, लास्ट के 9 फंदों को छोड़कर। लास्ट के 9 फंदों को छोड़कर शेष सभी फंदों को हम प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे हमने प्राइमरी कलर के ऊन से सीधे बुन लिए। अब लास्ट के 9 फंदे बचे हैं तो यहाँ पे हम सेकेंडरी कलर का दूसरा ऊन लगाएंगे, क्योंकि बीच के हमें ये सभी फंदे प्राइमरी कलर के ऊन से हमें बुनना है। तो सेकेंडरी कलर के ऊन को इतना लंबा दूर तक ले आने से अच्छा है कि यहाँ पे हम अपना दूसरा गोला लगा लें। तो मैंने दूसरा सेकेंडरी कलर का गोला लगा लिया है। अब हम 1 फंदा सीधा बुनेंगे सेकेंडरी कलर के ऊन से और शेष सभी फंदे, ये 8 फंदे हैं, इन्हें हम प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं तो पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब शेष 5 फंदे बॉर्डर के हैं जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब शेष फंदे हम उल्टा बुनेंगे लास्ट के 6 फंदों को छोड़कर और इन दोनों फंदों को जो सेकेंडरी कलर के हैं उन्हें हम सेकेंडरी कलर से बुनेंगे, बाकी फंदों को हम प्राइमरी कलर से उल्टा बुन लेंगे।
तो हमने बॉर्डर के फंदे सीधे बुन लिए। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदा प्राइमरी कलर के ऊन से उल्टा, और ये सेकेंडरी कलर का फंदा है तो इसे सेकेंडरी कलर के ऊन से उल्टा बुन लेंगे। फिर दो फंदे प्राइमरी कलर के उल्टा, तो बॉर्डर के बाद छह फंदों के बाद ये पांच फंदे हैं। तो इधर भी हम इन पांच फंदों को, बॉर्डर के बाद छह फंदों के बाद इन पांच फंदों को हम छोड़ के बाकी बीच 31 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। 31 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब दो फंदों को उल्टा बुनेंगे, एक फंदे को सेकेंडरी कलर के ऊन से उल्टा, फिर दो फंदों को प्राइमरी कलर से उल्टा। अब लास्ट के छह फंदे बचे हैं तो पांच फंदे को सीधा बनाएंगे और लास्ट फंदे को उल्टा। अब हम फिर राइट साइड में हैं तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे और छह फंदा सीधा, फिर तीन फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा और फिर 33 फंदों को, 31 फंदे हमारे ये थे और साइड के एक एक फंदे आ जाएंगे तो 33 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। यानी ये एक फंदा है, अब कि ये सेकेंडरी कलर का तीन फंदा हो जाएगा और शेष फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो हमने 33 फंदों को सीधा बुन लिया। अब देखिए ये सेकेंडरी कलर का ऊन है, ये सेकेंडरी कलर का फंदा है और इसके दोनों साइड वाले एक एक फंदा लेके हम तीन फंदा सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा बुन लेंगे और शेष फंदे प्राइमरी कलर के ऊन से सीधे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, पांच फंदे को सीधा बुनेंगे यानी बॉर्डर के फंदे को सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर सेकेंडरी कलर का एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर प्राइमरी कलर के ऊन से एक फंदा उल्टा, फिर सेकेंडरी कलर के ऊन से एक फंदा उल्टा और फिर प्राइमरी कलर के ऊन से एक फंदा उल्टा। अब 31 फंदे हम सीधे बुनेंगे, ये बीच के 31 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो 31 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, एक फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, एक फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, फिर शेष छह फंदों में से पांच फंदा सीधा, बॉर्डर का ये फंदा है तो पांच फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा। अब हम फिर जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा, जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा, और जो फंदा जिस कलर से दिखाई दे रहा है हमें उसे उसी कलर से बुन लेना है। तो हमने सभी फंदे सीधे बुन लिए, जो जिस कलर का दिखाई दे रहा है उसी कलर से सीधा। अब हम रॉन्ग साइड में हैं तो बॉर्डर के फंदे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर बॉर्डर के पांच फंदे सीधे, उन अपनी ओर, फिर सेकेंडरी कलर के ऊन से दो फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर प्राइमरी कलर के ऊन से एक फंदा उल्टा, दो फंदे सेकेंडरी कलर से उल्टे। तो ये हमारे डिजाइन के पांच फंदे हो गए। अब प्राइमरी कलर को हम दूसरी तरफ करेंगे और बीच के 31 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो बीच के 31 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब उन दूसरी ओर करेंगे, दो फंदों को हम सेकेंडरी कलर से उल्टा बुनेंगे, एक फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, फिर दो फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर प्राइमरी कलर के उनको दूसरी तरफ करेंगे, पांच फंदा
सीधा, ये बॉर्डर के फंदे हैं, पांच फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो बॉर्डर के छह फंदे हम सीधा बुन लेंगे, फिर एक फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर तीन फंदे प्राइमरी कलर से सीधे, फिर एक फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा। अब बीच के 31 फंदे हम प्राइमरी कलर के ऊन से सीधे बुन लेंगे। तो बीच के 31 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। अब एक फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, तीन फंदे प्राइमरी कलर से सीधे, फिर एक फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा और लास्ट के सभी फंदे प्राइमरी कलर से सीधे। अब रॉन्ग साइड से सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे और बीच के ये पांच फंदे जो डिजाइन के हैं, इन्हें हम जिस कलर का है उसी कलर से उल्टा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो पांच फंदे डिजाइन के और छह फंदे बॉर्डर के, यानी 11 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अपने प्राइमरी कलर के ऊन से तो 11 फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर 6 फंदा हम और सीधा बुनेंगे। अब हम बीच के 19 फंदे घटा लेंगे। इसके लिए पहले दो फंदा हम सीधा बुनेंगे, अब पिछले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले पे चढ़ा देंगे। ये एक घट गया, दो, तो हमने बीच के 19 फंदे घटा लिए। शेष फंदों को हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से ही सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और साइड साइड के 6-6 फंदे हम सीधा बुनेंगे और बीच के जो डिजाइन के पांच फंदे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे। तो 6 फंदे ये बॉर्डर के हो गए, उन अपनी ओर करेंगे, 5 फंदे डिजाइन के, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, 5 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा, देखिए यहाँ गला घट गया और ये हमारी आस्तीन घट गई। अब देखिए फ्रेंड्स, इस समय इसकी लंबाई है 26 सेंटीमीटर और हमें 34 सेंटीमीटर होने तक यूं ही बुनना है, यानी कि 6-6 फंदे हमारे साइड के बॉर्डर के हैं और 5 फंदे पे डिजाइन बन रहा है। तो हम 34 सेंटीमीटर होने तक, देखिए दोनों साइड में हमको ऐसे ही बुनना है, 6-6 फंदे बॉर्डर के हैं दोनों साइड में, देखिए 6-6 फंदे बॉर्डर के हैं और 5 फंदे पे डिजाइन बना है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हमें 34 सेंटीमीटर तक लंबा करना है। तो 34 सेंटीमीटर कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 4 डिजाइन बनाने के बाद हमने आस्तीन घटाया, फिर 2 डिजाइन बनाने के बाद हमने गला घटा दिया और फिर 3 डिजाइन हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी टोटल हो गए 9 डिजाइन और इस समय इसकी लंबाई है लगभग 35 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे अपना प्राइमरी कलर का वुल अटैच करेंगे। और गांठ लगा लेंगे। बाद में हम इसको अंदर की तरफ कर लेंगे। अब हम 5 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, फिर 5 फंदे सीधे,
और लास्ट फंदा उल्टा। और अब हम इस साइड भी तीन फूल और बना लेंगे। तो तीन फूल बना के आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस साइड भी तीन डिजाइन कंप्लीट कर ली और ये कुछ इस तरह बन के तैयार हुआ है। आशा है आपको पसंद आया होगा। शेष नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।